इसी संबंध में, क्योंकि अभी जमुई में आपको चुनाव है 10 तारीख को, 10 अक्टूबर को, दारू की शिकायत काफ़ी आती थी और जो चुनाव में आपको इस पर कंट्रोल करना बहुत आवश्यक है। दारू की शिकायत है या पैसे की लेन देन की शिकायत है जो चुनाव में आपको आया प्रायः या दिखा जाता है कि इनका आपको बढ़ोतरी हो जाती है। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ राजेश। चुनाव है, नगर निकाय का चुनाव चल रहा है, पूरे बिहार में चल रहा है, जम्मू में भी चुनाव होना है और 10 अक्टूबर को, आगामी 10 अक्टूबर को चुनाव होना है। चुनाव में अगर गड़बड़ी फैलाने की कोई सोच रहा है तो वो सचेत हो जाए। जमुई पुलिस पूरी तरह से एक्टिव है और कार्रवाई पर कार्रवाई कर रही है। इस वक्त रात के 11:30 बज रहे हैं और जमुई के SP खुद पूरी टीम के साथ, टीम को लीड करते हुए निकले हैं और छापेमारी कर रहे हैं। शराब तस्करों पर छापेमारी हो रही है, पैसों का जो खेल खेलना चाहते हैं चुनाव में उन पर छापेमारी हो रही है और लगातार छापेमारी हो रही है। चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से हो इसको लेकर ये कार्रवाई हो रही है और विगत दिनों की बात करें तो लगातार कार्रवाई पर कार्रवाई हो रही है। आज शाम ही एक बड़ी उपलब्धि भी पुलिस को मिली है, जमुई पुलिस को मिली है। पंजाब का एक मोस्ट वांटेड क्रिमिनल जमुई के गढ़ी थाना क्षेत्र से पकड़ा गया है। उसके बाद से पुलिस और आक्रामक हो गई है, आक्रामक तेवर में दिख रहे हैं जमुई के SP डॉक्टर सौरज सुमन। आज अभी इस वक्त रात के अंधेरे में छापेमारी चल रही है, जहां पर उन्हें जानकारी मिली है, उन्हें सूचनाएं मिली है, उसके सूचना पर छापेमारी की गई और अन्य जगह पर की जा रही है। SP अभी और निकल चुके हैं, कई जगह जा रहे हैं। आइए क्या कुछ कह रहे हैं SP इस बाबत हम सुनते हैं। कि निरंतर जो हमारा पुलिस मुख्यालय से आपको समीक्षा की जा रही है सभी जिलों की, उसमें कहा जा रहा है कि रात्रि में जो आपको चुनाव भी क्योंकि पास है तो जो सीनियर ऑफिसर से उनकी सक्रियता एक बहुत अहम भूमिका निभाती है आपको क्राइम कंट्रोल करने में। तो इसी के तहत पूर्व में भी हमारे द्वारा आपको रात में निकला जाता था और कई ऐसे जो आपको वांछित अभियुक्त हैं और जो यहाँ पे आपको चाहे वो शराब की शिकायत हो गई या अवैध खनन की शिकायत हो गई और नक्सल गतिविधियों की शिकायत हो गई, तो इन सभी के संबंध में हम लोग के द्वारा रात में आपको सूरदूर क्षेत्र में भी जमुई में निकला जाता है। इसी संबंध में क्योंकि अभी जमुई में आपको चुनाव है 10 तारीख को, 10 अक्टूबर को, तो उसके मद्देनज़र हमने कोशिश की कि अभी हम कुछ जो आपको यहाँ पे बोधवन तालाब के आसपास के जो एरियाज़ हैं जहाँ पे आपको दारू की शिकायत काफ़ी आती है और जो चुनाव में आपको इस पे कंट्रोल करना बहुत आवश्यक है ताकि निष्पक्ष और आपको शांतिपूर्वक चुनाव यहाँ पे हम करा सकें, इसी संबंध में ये आप हमने आपको सारी टीम को आज निकाला है। थानाध्यक्ष जमुई को इसमें निर्देश दिया था कि जो वांछित अभियुक्त हैं उनके घरों में रेड किया जाए और हम भी उनके साथ वहाँ पे जाएंगे और SDPO जमुई भी इस टीम को लीड कर रहे थे। तो यही प्रयास रहेगा कि आगे भी आपको जो भी आपको जो रिमोट एरियाज़ हैं पूरे जमुई के और जिन एरियाज़ में आपको पुलिस की गश्ती गाड़ी नहीं जा पाती और बाइक पेट्रोलिंग की आवश्यकता है वहाँ बाइक से पेट्रोलिंग कराई जाए, फुट पेट्रोलिंग कराई जाए ताकि जो आपको दारू की शिकायत है या पैसे की लेन देन की शिकायत है जो चुनाव में आपको आया प्रायः या दिखा जाता है कि इनका आपको बढ़ोतरी हो जाती है, तो निष्पक्ष रूप में चुनाव कराने के लिए पुलिस का अहम भूमिका यही है कि वांछित अभियुक्तों को जो फरार वारंटी हैं उनको पकड़ा जाए और लगातार निरंतर रेड दारू, अवैध खनन और जो बाकी क्राइम है उसके संबंध में किया जाए। ये सिलसिला लगातार अभी जब तक चुनाव नहीं हो पा रहा है तब तक जारी रहेगा। देखिए ये तो हमारे द्वारा पहले से भी किया जा रहा है पर अभी ज़्यादा सघन अभियान हम लोग चलाएंगे और हर जगह यह कार्य करेंगे और हमारे द्वारा आपको जो बाइक्स विभिन्न थानों में दी गई उनको भी क्लोज किया जाएगा और जहाँ जहाँ जमुई और सिकंदरा जहाँ पे आपको ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बाइक पेट्रोलिंग के थ्रू उन एरियाज़ में घूमने का वो भी हम लोग करवाएंगे। तो सुना आपने, ये थे हमारे साथ जमुई के SP पुलिस कप्तान डॉक्टर सौरज सुमन, बता रहे थे कि रूटीन काम तो पुलिस का है ही, रात में छापेमारी करना, विधि व्यवस्था को बनाए रखना और इसी को लेकर अभी चुनाव का भी माहौल है, चुनाव का वक्त है, बहुत नज़दीक है, अब चुनाव होना है और इस चुनाव में शराब का खेल ना हो, शराब बंदी है बिहार में और उसके बावजूद भी यहाँ पर तस्कर चोरी छिपे लगे रहते हैं, झारखंड से चूँकि सटा सीमा है लेकिन पुलिस तत्पर है और अपनी कार्रवाई कर रही है और इसको लेकर
ये छापेमारी की गई है। पैसों का जो लेन देन होता है उस बाबत भी एसपी ने बताया कि उसको उसके लिए भी ये छापेमारी की गई है कि कोई असामाजिक तत्व या फिर जो पैसे का खेल खेलने वाले हैं, शराब का खेल खेलने वाले हैं, चुनाव में अराजकता फैलाना चाहते हैं, उन्हें रोकने के लिए ये कार्रवाई की जा रही है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव सिटीज़। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पर अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को जरूर लाइक कर दें, और ट्विटर पर भी हमें फॉलो करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।